Imran Khan here. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. रमानी कनाबो वैया कनस्ताइन सबसे पहले मेरे भिंबर के शहरियों अजीम कश्मीरियों सबसे पहले या चुप करके बाद मैं आप सबको ताकीद करूंगा कि ये मास्क आप इतने करीब करीब खड़े हैं आपको अंदाजा है नहीं कि अभी भी कोरोना पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई तो मुझे आप सबकी फिक्र है देखें सिर्फ इससे पहनने से ये मैं देख रहा हूं या खातन ने कई उन्हें पहना हुआ है मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं इससे पहनने से ये बीमारी से आप बच सकते हैं सुने सुने बड़ा जरूरी है ये आपके लिए क्योंकि देखें अल्लाह ने पाकिस्तान को बचाया आप तक साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में देखें कोरोना की वजह से कितने लाख लोग मर चुके उनकी मायशत को इतना नुकसान हुआ है कि लोग कितने करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उसका खास करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि उसने हमें बचाया हुआ है तो उसका शुक्र हम ऐसे भी अदा कर सकते हैं कि इस कम अज कम एक मास्क पहन के एहतियात करें तो आप साथ साथ खड़े हुए मुझे डर है कि यह ना हो कि मेरे बिम्बर के जलसे के बाद पता चला कि कोरोना में कई लोग बीमार हो गए हैं इसलिए दूसरी चीज मैं आपकी हिम्मत आपके जज्बे को और आपके जुनून को खराज तहसीन पेश करता हूं मेरी आपको पता है कितनी जिंदगी गुजरी धूप के अंदर क्रिकेट खेलते हुए और मैं यहाँ स्टेज पे बैठा हूं और मेरी मेरी कमीज पसीने से भीग चुकी है तो मैं सोच रहा हूं कि आप जो इतने करीब करीब खड़े हैं इसलिए मैं खास तौर पे दाद देना चाहता हूं आपके जज्बे और जुनून पे अब मेरे भिम्बर के नौजवानों क्योंकि देखें मैं मैं आपके मुस्तकबिल का सोचता हूं मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क वो एक अजीम कॉम बने कि जिधर भी पाकिस्तान का दुनिया में पासपोर्ट कोई भी हमारा शहरी लेकर निकले तो दुनिया कहकर ये देखें पाकिस्तानी आ रहा है दुनिया में इज्जत से देखे हरे पासपोर्ट की इज्जत हो हम एक अजीम बने तो मैं नौजवानों आपको इसलिए मिसाल देता हूं हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने कैसे उन अरबों की जिनकी कोई दुनिया में हैसियत ही नहीं थी दो बड़े बड़े सुपर पावर थे जिस तरह आज बड़ी सुपर पावर है अमेरिका उन दिनों में दो सुपर पावर्स थी मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की कोई हैसियत नहीं थी बदू थे कोई पूछता ही नहीं था गरीब थे तो ये दुनिया की तारीख बताती है कि देखते देखते जब वो मदीना हिजरत करके पहुंचे तो ये दुनिया की तारीख शाहिद है इस चीज की कि तेरह साल के बाद मदीना की हिजरत के तेरह साल के बाद एक सुपर पावर घुटने टेकती है और चौदह साल के बाद दूसरी सुपर पावर घुटने टेकती है तो नौजवानों ये सुने मेरी बड़ी गौर से बात सुने लेकिन लोग आते हैं जलसे होते हैं नारे लग जाते हैं जलसे खत्म हो जाते हैं लेकिन आपकी तरबियत तो नहीं होती तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं जब यहां से जाऊं तो इस चीज को गौर करें कि क्या वजह थी कि वो अरब जिनको कोई पूछता नहीं था वो देखते देखते दुनिया की इमामत की उन्होंने दुनिया की इमामत की तो वो क्या जादू किया था उनके ऊपर तो इसलिए मेरे नौजवानों अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नबी की उसकी जिंदगी से सीखो उसकी सुन्नत पे चलो उसकी शरीयत पे चलो क्योंकि वो आपकी बेहतरी है उसमें कौम की बेहतरी है एक इंसान जब उस शरीयत पे चलता है वो बड़ा इंसान बन जाता है एक कौम जब उनकी सुन्नत जो मदीना की रियासत थी जब उसके असूलों पे जब कौम चलती है तो एक कौम अजीम कौम बन जाती है तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम एक अजीम कौम बने हम ये बदकिस्मती से जो गलत रास्ते पे चले गए थे भीख मांग के कर्जे लेके गुजारा करना एड लेके दूसरों की जंगों में शामिल होना अपने लोगों का नुकसान करवाना अपनी इज्जत खोना कोई कोई भीख मांगने वाले की और कर्जा मांगने वाले की इज्जत नहीं करता आपस में आके देख लें नौजवानों आपस में आके देख लें लोगों से तो दूर की बात है अपने मां बाप से जरा पहले दिन पैसे मांगे दूसरे दिन कर्जे मांगे तो तीसरे दिन देखना माँ बाप आपकी तरफ किस नजर से देखते हैं भाइयों से आजमा के देख लें देखें ये इंसान की फितरत है अल्लाह से जब आप मांगते हैं वो खुश होता है वो आपको नवाजता है इंसानों के सामने जो हाथ फैलाता है कोई उसकी इज्जत नहीं करता ना उस मुल्क की इज्जत करता है जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता देश्वार, देश्वार, देश्वार। और दूसरी चीज नौजवानों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खिताब दिया गया था सादे और अमीन सच्चा और इंसाफ करने वाला उनके दुश्मन भी ये मानते थे के साद और अमीन है दुनिया इज्जत करती है जो सच्चा आदमी होता है और जो इंसाफ करता है हमारे जो जो एक लीडर को मैं मानता हूं पाकिस्तान के एक लीडर को और जब तक पाकिस्तान आया और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा सब उस लीडर को मानेंगे उसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जना और कायदे आजम के जो मुखालिफ भी थे कांग्रेस के जो उसके मुखालिफ थे किताबें पढ़ के देख लें आज भी वो भी कायदे आजम को सच्चा और इंसाफ करने वाला इंसाफ मानते थे इज्जत करते थे उनकी मुखालिफ थे इज्जत करते थे तो मेरे पाकिस्तानियों मेरे कश्मीर के नौजवानों हमने एक अजीम कौम बनना है हमने अपने आप को भी बदलना है हमने अपने मुल्क को भी बदलना है हमने अपने आप को कैसे बदलना है हमने भी सच बोलना है हमने ईमानदार होना है हमारा और आपको मैं आज ये भी इसमान लें आप अपने इलाके में देख लें किसकी इज्जत है गांव में देख ले बिंबर में देख ले गांव शहर उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं ये इंसानी फितरत है ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है तो जब मेरे नौजवानों ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के बॉलीवुड की एक्टिंग करके बीमार बन के ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों खतिन उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारे हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं जैसे ही लंदन की हवा लगी एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया बीमारी सो so, आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों एक प्लीज पूछनी आपने आप ये पूछे कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी तीन साल नहीं पांच साल से आजाद हो यहां अदालतें आज आजाद हैं लाहौर हाँ कोर्ट तरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती आजाद है तुम मुझे मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं डर किससे है इनका मुंशी भी बाहर इसाक डार तो पहले ही भाग गया था अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था उसके बेटे भी बाहर नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए उसका शबाज शरीफ का दमाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया भाई किससे डर रहे हो अदालतें आजाद हैं यहां तो तरीके इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता हमारे दो मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया तो अगर हम अदालतें हैं या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे, दे रहे हैं क्या उनके लीडर सादक और अमीन है या नहीं है क्या वो सच्चे और ईमानदार है या नहीं और अगर लीडर ईमानदार नहीं है तो नीचे बशा कैंडिडेट ईमानदार भी हो वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर आपका लीडर ईमानदार है और कैंडिडेट दो नंबर भी है वो डरेगा कुछ करते हुए उसे पता है कि वो ऊपर वाला पकड़ लेगा अगर वो खुद पैसे नहीं बना रहा तो और किसी को भी नहीं पैसे बनाने देगा और यह सबसे बड़ा मसला है नौजवानों ये मसला सिर्फ यह मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया में आप सब आजकल आपके पास मोबाइल फोन है मोबाइल फोन पे गूगल करें दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें वो कौन कौन है आपके सामने वो मुल्कों के नाम आ जाएंगे मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है उसके ऊपर भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं यानी वहां भी उनके लीडर उनका मुल्क का पैसा चुरा के मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं हर मुल्क अफ्रीका में देख लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक आपको मुल्क नहीं मिलेगा जिनके लीडर ईमानदार हों, जिधर कानून की हुक्मरानी हो जिधर रूल ऑफ लॉ हो जिधर इंसाफ हो और जिधर गुर्बत हो एक मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिधर आपको गुर्बत मिलेगी वहां आपको ताकत की हुक्मरानी मिलेगी कानून की नहीं ताकत की वहां आपको करप्ट लीडर मिलेंगे करप्ट प्राइम मिनिस्टर मिलेगा करप्ट वजीर मिलेंगे करप्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और इसलिए गुर्बत होती है इसलिए हजरत अली का कॉल था के कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता और इसलिए दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने कहा था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा होगी कोई कानून से ऊपर नहीं है और फिर उन्होंने कहा कितनी कौमें तबाह हुई जहां कमजोर के लिए एक कानून और ताकतवर के लिए दूसरा कानून कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे पूछे कि पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बर्तानिया में मेरे से पूछे अप, आपके कश्मीर के कितने लोग बाहर रहते हैं मैं कितने आपके कश्मीरी आपके रिश्तेदार लंडनों में मिला हूं लंडन में मैनचेस्टर में कभी उनसे पूछे कि किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है ये आम आदमी नहीं खेल सकता वहां घोड़ा रखना पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से कितना किधर से आया ये आपका पैसा है ये यहां से भाग गया इसलिए कौम नौजवानों एक कौम तब खड़ी होती है जो स, हक और सच पे जिसकी इखलाकियात होती है जो अच्छे और बुरे में तमीज करती है वा रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है पूछा मौलाना साहब इंसानों को तो हमें पता है कैसे तबाह होते हैं? कौम कैसे मरती है तो मौलाना रूमी ने दो दरख्तों का मिसाल दी एक बड़ा खूबसूरत दरख्त और खुशबूदार और दूसरा बदसूरत उन्होंने कहा जब कौम इन दो दरख्तों के अंदर फर्क करना खत्म करती है वह मर जाती है यानी कि जब वो अच्छे और बुरे की सच और झूठ की जब वो फर्क नहीं करती वो इखलाकी तौर पे पहले मरती है फिर माशी तौर पे मरती है तो नौजवानों हमने बनना है अजीम कौम उस रास्ते पे हम निकल चुके हैं जहाद है हमारी जुल्म के निजाम के खिलाफ कानून की हुक्मरानी के लिए हम जंग लड़ रहे हैं जो पुराना निजाम है जो पुराने निजाम को माफिया बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हम हर रोज जंग लड़ते हैं और आप सब जानते हैं कि अगर एक चीज आपके कप्तान को करनी आती है वो मुकाबला करना आता है इंशाल्लाह आपकी हमायत से आपकी हमायत से इंशाल्लाह इन माफियाओं को मैं शिकस्त देके दिखाऊंगा और ये एक नया पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे एक अजीम काम बनके बन के दिखाएंगे और कश्मीर मेरे जो मैं हमेशा मैंने बड़ी दुआ की अल्लाह से जब पांच अगस्त हुआ तो मुझे पता था कि बड़ा जुल्म करेंगे वो कश्मीर के लोगों के ऊपर और मुझे खौफ था मैंने कहा इतनी देर कश्मीर के नौजवानों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म किया पैलेट गन्स इस्तेमाल की आंखों में उनकी जाया की उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं गई तो मुझे खौफ था कि पांच अगस्त को जो ये नरेंद्र मोदी ने किया है मुझे डर था कि बेचारे हिम्मत ना हार जाए लेकिन आज मैं बड़े फख्र से कहता हूं बल्कि कश्मीर के लोगों को नहीं सारे पाकिस्तान के लोगों को नहीं सारी मुसलमान की दुनिया उनको देख के हम फख्र करते हैं कि जिस दिलेरी से और जिस जज्बे से उन्होंने नरेंद्र मोदी के जुल्म का मुकाबला किया है, हम इनके लिए दुआ करते हैं और मुझे कभी मेरे जेन में यह कभी शक भी नहीं हुआ कि इन आने वाले दिनों में हम मकबूजा कश्मीर कश्मीर को आजाद आजाद देखेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद से में अवामी खिताब कर रहे थे वजीर वजी पाकिस्तान इमरान खान उन्होंने कहा कि हमने एक अजीम कौम बनना है अपने मुल्क को अजीम मुल्क बनाना है और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो माफियाज जो पुराने निजाम को बचाना चाहते हैं हम उनसे लड़ें उनका मुकाबला करें और ये मुकाबला जीतने के लिए उन्हें वाम की हिमायत दरकार है कहना उनका यह था कि